अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो या वो क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो, किसी भी केस में जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन है उसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो किस किस पाथवे से वो जो आपकी एक इन्फेक्शन था जो मिडल ईयर कैविटी या मिडल ईयर क्लेफ्ट में लोकलाइज था, वो किस किस पाथवे से बाकी जगह को इरोड कर सकता है या वहाँ पर पहुँच सकता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या पाथवेज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं पाथवे से आप सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस खुद से भी इनलिस्ट कर सकते हैं। सो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है पूरा, कॉम्प्लिकेशंस वाला, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और इसमें से मैस्टरडाइटिस और बहुत सारे क्वेश्चंस पीट्रोसाइटिस वगैरह आपके एसईक्यूज में भी आते हैं, एंड इट इज आस्क्ड बिकॉज ये सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले गोइंग फॉर द पाथवे, बहुत सिंपल है, इंतहाई आसान है याद रखने। आपने सबसे पहले आप सोचें कि आपके पास जो मिडल ईयर क्लेफ्ट है उसके आसपास जाहिर सी बात है एक बोनी केनाल है, आपका जो मिडल ईयर सारा का सारा कंटेंड है हमारी बोन में, पीटर्स बोन में, ठीक है। तो हमारे पास ये हो सकता है कि हमारा जो इन्फेक्शन इन्फेक्शियस एजेंट है, जो जो भी इन्फेक्शन है हमारा, वो डायरेक्ट बोन को इरोड करके आगे स्प्रेड हो जाए। अब किस तरह होगा, अगर हमारे पास एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट है तो उसमें आपको पता है ग्रे वो कोलेस्टेटोमा तो बनता नहीं है, जिस तरह मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो किस तरह इरोड करता है, वो बोन को इरोड करता है हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन से। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव हमारे पास ये इन्फेक्शन हो जो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का, तो क्या हो रहा होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है ना, और एक्यूट एक्शन में मतलब फोरी फोरी हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास सारी की सारी एरिया का हाइपरीमिया यानी इंक्रीज ब्लड सप्लाई होती है, जो हमेशा इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में होती है। अब उस एरिया की इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से सारी की सारी वेन्स टॉर्चुअस हो रही है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि सॉरी डीकैल्सिफिकेशन, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से कि बोन पे प्रेशर पड़ रहा है और बोन की डीकैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, बोन का कैल्शियम भी लूज होने लग जाता है बिकॉज सब कुछ ब्लड में जरूरत होता है। तो हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन की वजह से बोन इरोजन होती है इन केस ऑफ ASOM, लेकिन अगर CSOM यानी क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट होगा तो उसमें तो आपका कोलेस्टेटोमा जिसमें बोन इरोडिंग प्रॉपर्टीज थी वही बोन को इरोड करके कहीं भी इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। दूसरा पाथवे होता है हमारे पास वेन्स से। अब आपको पता है कि वहाँ पर सारी की सारी वेन्स ड्रेन करी, और आपको ये भी पता है कि सारे ब्रेन को जो ड्रेन करती हैं वो ड्यूरल वीनस साइनसेज होते हैं, सिर्फ ड्यूरल वीनस साइनसेज हैं, ठीक है, जो ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट हैं, जो सारे आपके ब्रेन और उसके आसपास के एरिया को ड्रेन करें। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मेस्ट्रॉइड से जाती हैं वो मेस्ट्रॉइड एमिश्री वेन्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं मेस्ट्रॉइड एमिश्री वेन्स जो आपको जा रही हैं, फिर इसे हेवर्जन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली वेन्स जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई लेके जा रही है एक एरिया की, अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसमें अगर इन्फेक्टिंग एजेंट जो था हमारा जो इन्फेक्शन फैला रहा है वो भी साथ चला जाए तो वो सारे ड्यूरल साइनसेस को भी कर सकता है और सारे साइनसेस इन्फ्लेम हो सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बस यही बनता है ना, थ्रोम्बस और विद इन्फ्लेमेशन जो होता है उसे वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। तो वेन्स के जरिए इन्फेक्शन आपके सारे में ब्रेन में फैल सकता है, विच इज़ वेरी हैजर्डस, ठीक है। तीसरी होती है प्रीफॉर्म्ड पाथवेज। प्रीफॉर्म पाथवेज बेसिकली ये होते हैं कि पहले से अगर किसी कोई ऐसा रास्ता बना हुआ है जहाँ से आराम से इन्फेक्शन जा सके तो प्रीफॉर्म पाथवे, मतलब नॉर्मल एनाटॉमी में कहीं पर डिस्टर्बेंस है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब अपने जब भी कोई ऐसी चीज़ याद रखनी हो ना तो बहुत सिंपल सी बात है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी मैंने किसी वीडियो में बताया था कि अपने जहन में हमेशा चार पॉइंट्स को रखा करें जब भी आपसे किसी डिज की कोई डिजीज़ की क्लासिफिकेशन पूछे या कुछ ऐसी चीज़ कि कुछ तो कंजेनिटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले पैदाइशी, फिर ट्रॉमेटिक या एक्सीडेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर तीसरी चीज़ क्या किसी इन्फेक्शन की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, और सबसे आखिर में ट्यूमर्स हो सकते हैं, और फिर आखिर में बंदा कहता है कि इन सब के अलावा भी अगर कोई कंडीशन है तो हम इससे लेनी है। तो हमेशा ये अगर आप अपने जहन में पॉइंट्स रख के किसी भी डिजीज की क्लासिफिकेशन बताएंगे ना, आपसे कोई पूछेगा कि एक पेशेंट को आया वो सपोज़ कहते हैं कि नोज़ की कोई बात कर लें कि वो डी उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसको क्या क्या मसला किस किस वजह से हो सकता है उसको, तो आप जब ये जहन में अपने रखेंगे तो आप बता सकते हैं कंजेनिटली भी हो सकता है, ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी, सो दिस इज़ ईजी फॉर यू। तो आपने अभी भी अपने जहन में उसी तरह रखना है। तो प्रीफॉर्म पाथवेज क्या है, कोई कंजेनिटल पेशेंट में पहले से ही कहीं ना कहीं पर डेहिसेंस है, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बचपन में ही सही बंद नहीं हुई जिसे होना चाहिए था, तो आपके पास कंजेनिटल डेहिसेंस आ जाएगी। फिर जो सूचर नॉर्मली क्लोज होने थे वो क्लोज नहीं हुए, यहाँ पर हमारे पास आते हैं मेस्ट्रॉइड बोन में पीट्रोस्क्वेमस सूचर, जब पीट्रस ने मिलना होता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ मेस्ट्रॉइड बोन के साथ, ठीक है, वो नहीं मिला पेटेंट रह गया, वहाँ से इन्फेक्शन जा सकते हैं। फिर हमारे पास अगली चीज़ ट्रॉमा, स्कल का कोई फ्रैक्चर हुआ था, स्कल का फ्रैक्चर हील नहीं किया, वो वहीं पर रह गया तो हमारे पास ट्रोमेटिक हो गया। फिर सर्जिकल डिफेक्ट, सर्जरी हो चुकी है पहले किसी जगह की वहाँ के
कोई स्टेपिडेक्टमी हुई है, स्टेपीडियस को हमने रिमूव किया है या कुछ और हुआ है, मैस्टोइडेक्टमी हुई है जो कि डिफेक्ट है वहाँ पे जिसमें से इन्फेक्शन जा सकते हैं, ठीक है। फिर कोई इन्फेक्शन, अगली चीज़ ट्रॉमा में हमने दो बातें कर ली, फिर अगली चीज़ इन्फेक्शन है। तो हमारे पास क्या है जी, इन्फेक्शन ऑफ लेबरिंथ है। इन्फेक्शन जो लेबरिंथ का है वो आपको जाहिर सी बात है आपको पता है कि ओवल और राउंड विंडोज आपके दो ऐसे जगह हैं जो पतली मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। यहाँ से इन्फेक्शन ट्रेवल करके लेबरिंथ में जा सकता है, सो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ट्यूमर्स का इसमें इतना रोल नहीं है, यहाँ पर इतना नहीं होता, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो जाता है हमारे पास। सो दीज आर ऑल द प्री फॉर्म पाथवे जहाँ से आराम से इन्फेक्शन जा सकते हैं। सो ये आपके पास स्प्रेड ऑफ पाथवे पाथवेज ऑफ स्प्रेड है जिनसे आपका इन्फेक्शन कहीं भी जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेशन करेगा, और कॉम्प्लिकेशन आर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी तक कोई मसला, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।